डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, सीओ आबद्ध विखंडन की अभिक्रियाएं चल रही थी, उसमें कुछ पॉइंट पड़ चुके हैं। उसमें नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ाते हुए नेक्स्ट बिंदु की बात कर रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्या होता है। यहां से देखिए, डाई एथिल ईथर है CH3CH2OH और CH2CH3, डाई एथिल ईथर। इन डाई एथिल ईथर है, उसकी अभिक्रिया में एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा दो CH3C डबल बॉन्ड OCl। किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है यहां पे? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में जैसे ही आपने अभिक्रिया करवाई, देखो यहां से कैसे टूट जाएगा, ये माइनस इसका कार्बोनिल कार्बन प्लस, यहां से क्या बन जाएगा यहां पे माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस। देखो प्लस पे क्या जुड़ जाएगा यहां पे Cl, तो CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड बाहर निकल जाता है, क्या बन जाएगा CH3CH2Cl। और ये जो कंपाउंड है माइनस है वो कहां पे जुड़ जाएगा, इस प्लस पे। तो देखिए यहां से CH3CH2 O है वो कहां पे जुड़ जाएगा, इस पे OC डबल बॉन्ड OCH3। CH3 डबल बॉन्ड O इसको बोलते हैं एसीटेट, और इस पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, C2H में एथिल, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। एस्टर बन रहा है, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। यानी डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है, क्या बन जाता है, एथिल एसीटेट में एथिल क्लोराइड बन जाता है। यानी भाई आपका ये क्या है, डाई एथिल ईथर है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई मैंने, एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल ZnCl2 में करवाई, क्या बना यहां से एथिल एसीटेट, एथिल क्लोराइड बन जाता है, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। इसी प्रकार से नंबर 2 पे बात कर रहे हैं, यहां पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, इसमें भी क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाएगी, तो यहां से देखें CH3CH2O CH2CH3, डाई एथिल ईथर है, इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई CH3C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड। यहां से कैसे टूट जाएगा ये एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां से माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, यहां से मॉलिक्यूल टूटा है यहां पे माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, प्लस पे क्या जुड़ जाएगा यहां पे माइनस। तो ये कंपाउंड देखो CH3CH2 अभिक्रिया कोई निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3CH2 CH3CH2 O इस माइनस पे क्या जुड़ जाएगा, इसका प्लस वाला पार्ट जुड़ जाएगा, ये वाला C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे देखो CH3CH2 और इधर से क्या जुड़ जाएगा प्लस, उस सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी एथिल एसीटेट। इस यौगिक का नाम क्या है, एथिल एसीटेट। यानी डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है, एथिल एसीटेट बन जाता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप में पढ़ रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट बिंदु की बात कर रहा हूं यहां पे, हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, इन डाई एथिल ईथर ले रहे हैं यहां पे CH3CH2 OCH2CH3, डाई एथिल ईथर।
इसकी अभिक्रिया आपने किसके साथ करवाई? HX के साथ करवाई, हाइड्रोजन हैलाइड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जब HX के साथ करवाओगे Ag प्लस X माइनस, यहां से मॉलिक्यूल टूटेगा, यहां पे माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, माइनस पे क्या जुड़ जाएगा H प्लस, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में CH3CH2OH, और यहां से क्या बन जाएगा CH3CH2 प्लस पे क्या जुड़ जाएगा X, एथिल हैलाइड CH3CH2X। इन्हें एथिल एल्कोहल एथेनॉल बोल सकते हो, एथेनॉल एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड बनता है। तो यहां से लिख रखा है कि डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ कराई जाती है, तो एथेनॉल व एल्किल, यानी एल्कोहल और एल्किल हैलाइड बनता है। यदि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइडों को आधिक्य में लिया जाता है तो यहां पे एल्कोहल और जल बन जाता है, एल्किल एथेनॉल के साथ एथिल हाइड्राइड न बनकर क्या बन जाएगा यहां पे एल्कोहल और जल का निर्माण हो जाएगा। कब? कि जब अभिक्रिया के अंदर HX को क्या लिया जाए, आधिक्य में लिया जाए। तो यहां पे लिख रखा है पॉइंट में कि यदि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइडों को आधिक्य में लिया जाता है तो उत्पाद के रूप में एथेनॉल व जल बन जाता है। कैसे बनता है देखिए, एक्सेस में नोट डाल के ध्यान रखना कि आपका क्या है, डाइएथिल ईथर है ROR, ठीक है। इस डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया आपने किसके साथ करवाई? HX के साथ करवाई। फर्स्ट स्टेप के अंदर तो ये कैसे टूट जाएगा, Ag प्लस X माइनस, यहां से टूटा ये माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, माइनस पे क्या जुड़ जाएगा प्लस, ROX आउट क्या हो गया यहां से माइनस, R प्लस X माइनस RX, ठीक है। अब जैसे ही आपका HX एक्सिस में तो ये वापस क्या करता है, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, ROH प्लस HX, तो यहां से क्या करता है, यहां से H2 बाहर निकल जाता है। जब H2 बाहर निकल जाएगा तो यहां से अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा, RX प्लस यहां से H2 बन जाता है। तो यानी कि ध्यान रखना है यहां से कि डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ करवाई जाती है तो एथेनॉल व एथिल हैलाइड बनता है। यदि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइडों को आधिक्य में लिया जाता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड व जल बन जाता है। उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा यहां से, एल्किल हैलाइड और क्या बन जाता है यहां पे, जल बन जाता। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जिसेल विले। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसेल विधि, इंपोर्टेंट है जिसेल मेथड। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसेल विधि। जिसेल विधि में क्या होता है, जिसेल विधि क्यों प्रयुक्त की जाती है, यानी कोई कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक के अंदर जो मेथोक्सी समूह है, उस मेथोक्सी समूह का मात्रात्मक आकलन करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, जिसेल विधि कहा जाता है। यानी जिसेल विधि का मतलब ही यहां पे क्या होता है, मेथोक्सी समूह का मात्रात्मक आकलन करना। यानी कि मेथोक्सी समूह का मात्रात्मक आकलन करने के लिए जिस विधि का यूज किया कर रहे हैं वो जिसेल विधि कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो मेथिल ईथर है उस मेथिल ईथर की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, एचआई के साथ करवाई जाती है। इस कारण इस विधि को क्या कहते हैं, जिसेल विधि। अब मिश्रित ईथर की अभिक्रिया जब एचएक्स के साथ कराई जाती है तो यानी कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइड्स जो 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री जो एल्किल समूह है वो भिन्न-भिन्न स्थितियों में भिन्न-भिन्न उत्पाद बनाता है। किस प्रकार बनाता है, यानी जिसेल विधि के थ्रू क्या बना रहे हैं, यहां पे मिश्रित ईथर लिया जाता है। मिश्रित ईथर लेंगे तो यहां से क्या होता है, मिश्रित ईथर की कैटेगरी आपने क्या बताई, कार्बनिक यौगिकों में मेथोक्सी समूह का, मेथोक्सी समूह का मात्रात्मक आकलन करने के लिए,
कार्बनिक यौगिकों में मैथोक्सी समूह का मात्रात्मक आकलन करने के लिए। इसमें मैथिल ईथर की अभिक्रिया, मैथिल ईथर की अभिक्रिया एच आई के साथ कराई जाती है, कराई जाती है। यह विधि जिसेल विधि कहलाती है, यह विधि जिसेल विधि कहलाती है। विधि कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, इस विधि में मिश्रित ईथर लिया जाएगा। जब जिसेल विधि के अंदर क्या लिया जाता है, मिश्रित ईथर लिया जाता है। तो इस मिश्रित ईथर के अंदर मिश्रित ईथर की अभिक्रिया HX के साथ करवाएंगे। तो मिश्रित ईथर में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त है, तो भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं। कौन कौन सी स्थितियां ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखना। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल के रूप में लिया यहाँ पे सी एस थ्री ओ, यहाँ पे सी, ये सी, ये आपका सी एस थ्री, सी एस थ्री, सी एस थ्री मिश्रित ईथर है। कैसा ईथर है, मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर। अब इस मिश्रित ईथर की अभिक्रिया मैं किसके साथ करवा दूं, यहां पे HX के साथ करवा दूं। यहां मिश्रित ईथर की अभिक्रिया जैसे ही आपने HX के साथ करवाई, यानी अब ईथर है, देखना है यहां पे एल्किल समूह, देखना है एल्किल समूह, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल समूह जो होगा, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल समूह। अब 1 डिग्री का मतलब यहां पे देखो ऑक्सीजन की दोनों वैलेंस फ्री है, यहां पे ईथर होगा। अब जो एक कार्बन, कार्बन परमाणु जितने कार्बन से जुड़ेगा उतने डिग्री का एल्किल समूह कहलाएगा। यहां पे देखो कोई किसी से नहीं जुड़ रहा, इसका मतलब 1 डिग्री में ही कैलकुलेट होगा, 1 डिग्री। और यहां पे तो कार्बन है 1 2 3 3 डिग्री एल्किल समूह। तो यानी जिस विधि में यहां पे समझने के लिए मैं बता रहा हूं, यहां से ध्यान रखना है कि यदि मिश्रित ईथर के अंदर कोई मिश्रित ईथर है आपके पास, मिश्रित ईथर वह है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों जो संयोजकता है वो अलग अलग समूह से जुड़ी हुई है। देखो जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप मिलेगा और यहाँ पे अलग अलग, उस प्रकार का जो ईथर है वो क्या कहलाएगा आपको, मिश्रित ईथर। अब मिश्रित ईथर में एल्किल समूह देखना, बता दिया मैंने, कोई भी कार्बन एल्किल समूह जितने कार्बन से जुड़ेगा उतने डिग्री का कहलाएगा। यदि मिश्रित ईथर में आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल समूह है, एल्किल समूह, यानी कोई आपके पास मिश्रित ईथर है उसके अंदर 1 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल समूह है, तो आप क्या करें, 1 डिग्री का तो क्या बनाना है आपको, हैलाइड। 1 डिग्री का तो क्या बनाना है, एल्कोहल। यदि मिश्रित ईथर के अंदर आपके पास क्या है, 1 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल समूह है, तो 1 डिग्री का तो आप क्या बना दें, 1 डिग्री तो क्या देगा आपको, एल्कोहल देगा। हमेशा ध्यान रखना 1 डिग्री का तो क्या बनाना है आपको, एल्कोहल, और 3 डिग्री जो है उसको क्या बनाना है, हैलाइड। क्लियर, ये जिसेल विधि के अंदर ये पॉइंट जो है वो ध्यान रखना। यदि आपके पास मिश्रित ईथर है और उस मिश्रित ईथर की अभिक्रिया HX के साथ करवा रहे हैं आप, भिन्न-भिन्न HX के साथ ऊपर भी देख लीजिए आपने, लेकिन मिश्रित उस सममित ईथर के अंदर देगा। यदि आपके पास 1 डिग्री 3 डिग्री एल्किल समूह, तो 1 डिग्री तो क्या दे देगा आपका, एल्कोहल, और 3 डिग्री क्या देगा, हैलाइड। फर्स्ट केस तो ये कहता है स्थिति, ये केस सेकंड के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मिश्रित ईथर के अंदर एल्किल समूह कैसे 1 डिग्री और दूसरा क्या है आपके पास 2 डिग्री एल्किल समूह। अगर 1 डिग्री और 3 डिग्री है तो 1 डिग्री का एल्कोहल बनाना है, 3 डिग्री का हैलाइड बनाना है। यदि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल समूह है तो 1 डिग्री का इसका उल्टा ध्यान रखना, 1 डिग्री का तो क्या बनाना है, हैलाइड, 2 डिग्री का क्या बनाना है, एल्कोहल। और यदि समान है एल्किल समूह उपस्थित है 1 डिग्री और 1 डिग्री, केस थर्ड है यहां पे, दोनों ही एल्किल समूह 1 डिग्री, अगले वाला भी क्या है 1 डिग्री एल्किल समूह, तो क्या करना है, छोटा समूह जो है, अब इसमें भी देखना है भाई एल्किल समूह छोटा कौन सा है भाई, ये भी 1 डिग्री एल्किल समूह है और अगले वाला भी क्या है 1 डिग्री एल्किल समूह, छोटा एल्किल समूह, छोटा समूह क्या देगा आपका, हैलाइड, और बड़ा जो समूह है वो क्या बनाना है आपका,
बड़ा समूह जो होगा वो एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ से एल। तो ये विधि है वो कहलाती है आपकी जिसेल विधि। ये पॉइंट बिल्कुल इंपोर्टेंट है लाइन है कि यदि मिश्रित ईथर के अंदर 1 डिग्री 3 डिग्री एल के समूह उपस्थित है तो 1 डिग्री क्या देता है एल्कोहल, 3 डिग्री क्या देता है एल हैलाइड। यदि केस सेकंड ऐसा भी हो सकता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री आपके पास एल्किल समूह उपस्थित है तो 1 डिग्री का क्या बना दे हैलाइड, 2 डिग्री का क्या बना दे एल्कोहल। और यदि दोनों ही बराबर है 1 डिग्री एल्किल समूह 1 डिग्री एल्किल समूह तो 1 डिग्री, और 1 डिग्री में क्या करना है छोटा एल्किल समूह का तो हैलाइड बनाना है और बड़े वाले को क्या बनाना है एल्कोहल। देखो ये आपके पास 1 डिग्री है, ये क्या है आपका भाई 3 डिग्री है कि नहीं। अब आप पता है एक और तीन आ गया, 1 डिग्री और 3 डिग्री है तो 1 डिग्री का क्या बनाना है आपको एल्कोहल। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है आपको ध्यान रखना है, यहां पे एक कंफर्म हो चुका कैसे टूटेगा H+OX-। अब एल्कोहल कब बने कि जब आप एल्कोहल कौन सा पार्ट बनेगा 1 डिग्री का, यानी ये बॉन्ड का ये ऑक्सीजन किसके साथ जाए, इस एल्किल समूह के साथ जाए या इसके साथ, तो किसके साथ जाएगा इस वाले, तो बॉन्ड यहां से भी टूट सकता था और यहां से भी, तो अपन को कहां से तोड़ना है यहां से, यहां से टूटेगा तो यहां पे क्या आएगा माइनस और यहां पे क्या आएगा प्लस। अब इस माइनस पे आएगा कौन एच प्लस, ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH और ये क्या बन जाएगा आपका देखो भी CH3CCH3 ये CH3 और ये क्या बन जाएगा X। कोई दिक्कत है क्या? तो 1 डिग्री का मैंने वहां पे क्या बना दिया एल्कोहल और 2 डिग्री 3 डिग्री का क्या बना दिया हैलाइड। इसी प्रकार से आपके पास नंबर 2 केस है, केस सेकंड है कि आपके पास एल्कोहल इस प्रकार का है CH3O यहां पे CH3 और ये CH3 ऐसे दे दे और एरो के ऊपर लिख रखा है HF आपको दे दे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए। मिश्रित ईथर है इसके अभिक्रिया HI के साथ करवा रहे हैं तो आपको पता है जिसेल विधि है, जिसेल विधि में क्या करते हैं भाई एल्किल समूह पहचानते ऑक्सीजन। अब देखो ये कैसा है 1 डिग्री एल्किल समूह, ये कैसा है भाई 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो 2 डिग्री एल्किल समूह, अरे ये 1 डिग्री हो गया ये 2 डिग्री। अगर आपके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल समूह है तो 1 डिग्री का क्या बनाना है हैलाइड और 2 डिग्री का क्या बनाना है एल्किल। अब 1 डिग्री का हैलाइड कब बने ये तो कंफर्म है भाई आपका HX के रूप में ये एज ए प्लस एक्स माइनस। अब हैलाइड कब बने भाई अब प्लस, अब ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जाए इसके साथ, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा यहां से बॉन्ड टूटेगा पहले कहां से तोड़ा था यहां से, अब कहां से टूट जाएगा यहां पे क्या आएगा प्लस यहां पे क्या आएगा माइनस, अब प्लस पे क्या जुड़ जाएगा एक्स। तो देखो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका CH3X, आगे वाला क्या बाहर निकल जाएगा यहां पे CH3CH3OH। कोई दिक्कत है क्या यहां पे, ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। इसी प्रकार से आपके पास 1 डिग्री 1 डिग्री हो सकता है, इस प्रकार का एल्किल ग्रुप है CH3CH2CH CH3CH2OCH2CH2CH3 इस प्रकार का ग्रुप है और अभिक्रिया करवानी है वही HX के साथ। जिसेल विधि है क्या करेंगे आप, जैसे इसकी अभिक्रिया करवाओगे आप जिसेल मेथड के अंदर तो आपको पता है देखो ऑक्सीजन ये कार्बन एक से ही जुड़ रहा है इसका मतलब ये कैसा है 1 डिग्री एल्किल समूह, ये कार्बन किससे जुड़ रहा है तो ये भी कैसा है 1 डिग्री एल्किल समूह, तो 1 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल समूह दोनों बराबर है तो छोटा एल्किल समूह क्या बना दे हैलाइड। अब देखो यहां पे छोटा कौन सा, ये वाला ग्रुप छोटा है और ये क्या है आपका बड़ा एल्किल समूह, इसका तो आप क्या बनाने हैलाइड, यहां से टूट जाएगा एच प्लस एक्स माइनस। जैसे ही टूटेगा अब हैलाइड कैसे बनेगा यहां से बॉन्ड टूटेगा, अब इसके ऊपर क्या है प्लस इसके ऊपर क्या है माइनस, अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया माइनस तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या बनाया हैलाइड, छोटा समूह हैलाइड का बने जब यहां से बॉन्ड टूटे, यहां से टूटेगा तो ये कंपाउंड देखना हैलाइड में क्या बन जाएगा आपका CH3CH2CH2X प्लस दूसरा कंपाउंड बन जाएगा यहां से CH3CH2CH CH2OH। तो ये विधि है कहलाती है आपकी जिसेल विधि। इस जिसेल विधि के द्वारा मेथॉक्सी समूह का यहां से क्या कर लिया जाता है मात्रात्मक आकलन कर लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।